हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज का मैंने स्प्रेड लगाया है टॉरस यानी वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। और नियर फ्यूचर एनर्जीज हम चेक करेंगे, रीसेंट पास्ट में क्या रहा, प्रेजेंट क्या एनर्जी है, फ्यूचर में आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं। हमने आपके लिए क्रिस्टल गाइडेंस भी निकाली है और जनरल लाइफ गाइडेंस भी निकाली है। तो टॉरस राशि वाले लोगों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो बॉटम ऑफ द डेक पर आया है, जजमेंट कार्ड आया है आप लोगों के लिए, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कार्ड, मेजर आर्कना कार्ड है। इसके अलावा भी हमको मेजर आर्कना कार्ड मिले हैं, द सन कार्ड भी मिला है टॉरस पीपल आप लोगों के लिए, और द स्टार कार्ड भी मिला है। तो हमें तीन मेजर आर्कना आपके लिए मिले हैं, इंपॉर्टेंट रीडिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। पहले अगर हम बात करें आपके लिए जजमेंट कार्ड की, तो जजमेंट कार्ड जो है इसमें आप देख सकते हो कि एक एंजल है जिसके पिंक विंग्स हैं और ये ग्रीन कलर की ट्रम्पेट बजा रहा है। आई टेक बैक, आई लुक बैक विद कंपैशन फॉर माई सेल्फ। ये अपने पास्ट से खुद को रिलीज करने का कार्ड है। मोस्ट पॉसिबली आप अपने आप को अपने पास्ट से रिलीज करने का काम कर रहे हैं। आपका अपने पास्ट को लेकर कोई बैड एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, रिजेंटमेंट हो सकता है, एंगर हो सकता है, आपके अंदर भरा हुआ फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, जिसको आप अब रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको ऐसी गाइडेंस आ रही है, या आपको ऐसा करना चाहिए कि आपका किसी भी व्यक्ति के प्रति या किसी सिचुएशन के प्रति, किसी इंसिडेंट के प्रति, अगर आपके अंदर गुस्सा भरा हुआ है, एंगर भरा हुआ है, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आपको अपने उस पास्ट एनर्जी को रिलीज कर देना चाहिए और आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। और पिंक कलर जो होता है लव एंड कंपैशन का प्रतीक है, ग्रीन कलर भी हार्ट चक्रा का प्रतीक है। अपने हार्ट को ओपन कीजिए, न्यू एक्सपीरियंसेस आपको तभी मिल सकेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड भी आया हमारे पास। फाइनेंशियल ब्लॉकेज या आपकी लाइफ के जो मेजर ब्लॉकेजेस हैं, या आप अपनी लाइफ में जो ग्रो नहीं कर पा रहे हो, इसकी खास वजह यही है कि आप रिजेंटमेंट पाल रखा है और आपने अभी तक अपने पास्ट को खुद से रिलीज नहीं किया। जैसे आप अपने पास्ट को रिलीज करोगे और आपका ब्लॉकेज खुल जाएगा, क्योंकि इस जजमेंट कार्ड के क्लैरिफिकेशन में हमको सन कार्ड मिला है। तो जैसे ही आप अपने पास्ट एंगर को, पास्ट रिजेंटमेंट को, अपने पास्ट को रिलीज करेंगे और खुद को एक बार फिर से ओपन करेंगे, अपना हार्ट ओपन करेंगे, काइंडनेस, कंपैशन, लव, केयर, नर्चरिंग, इस क्योंकि ये क्वीन ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी होती है, इस तरह की काइंड और लविंग एनर्जी में जैसे ही आप जाएंगे, वैसे ही आपके ब्लॉकेज रिलीज होंगे आपकी लाइफ में जो, और आपने आपको आप ऑप्टिमिस्टिक बनाएंगे, पॉजिटिव थिंकिंग करना शुरू करेंगे आप, तो आपको न सिर्फ आपकी लाइफ में हेल्थ, वेल्थ और मनी में आपको सुधार देखने को मिलेगा, बल्कि आपके लिए टू ऑफ कप्स कार्ड भी है, तो आपकी लाइफ के जो रिलेशनशिप्स हैं, जो लव रिलेशन है, वो भी सुधरेंगे। मे बी आपको कोई नया बहुत अच्छा लव पार्टनर, लविंग केयरिंग पार्टनर मिले, आपके फाइनेंशियल स्थिति में सुधार हो, आपकी हेल्थ में सुधार हो, आपके रिलेशनशिप में सुधार हो, और आपकी फैमिली के अंदर गुड न्यूज़ आपको देखने को मिले, या आपको कोई लक फैक्टर आपका जागे, आपको कोई अच्छा लक, कोई ना कोई अच्छा, वाओ मेरे पास एक टू दो कार्ड्स आ गए थे, मैंने अभी देखा है। Whatever I decide, I trust in outcome. Definitely मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी भी कन्फ्यूज हो कि इस सिचुएशन को लेकर आपको क्या करना चाहिए, आपको किसी को माफ़ करके आगे बढ़ना चाहिए, नई बिगनिंग करनी चाहिए, या आपको उसी के साथ में अटक के रहना चाहिए। आप अपने पास्ट को रिलीज करना चाह रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, इस तरह का कन्फ्यूजन आपके अंदर है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड हमको बताता है, तो आपको डेफिनेटली ऑप्टिमिस्टिक रहकर, अपनी भलाई के बारे में सोचकर, इनर कॉलिंग को सुनकर, जो भी आपके अंदर का गिल्ट है, शेम है, या जो भी फ्रस्ट्रेशन है, उसको निकाल कर आपको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। फिर हमारे पास में यहाँ पे आपके लिए फाइव ऑफ वॉन्ड्स कार्ड भी है, यहाँ स्टार कार्ड भी है। मैंने जैसे आपको कहा कि आप अभी भी आप अपने पास्ट के साथ लड़ रहे हो, या कॉन्स्टेंटली किसी व्यक्ति के साथ, या किसी विचार के साथ, या किसी सिचुएशन के साथ अभी भी आप शांति बनाने की स्थिति में नहीं हो। जब तक आप इस व्यक्ति या सिचुएशन के साथ शांति नहीं बनाओगे, चीज़ें ठीक नहीं करोगे, माफ़ नहीं करोगे, तब तक आपके लिए नई स्टार कार्ड भी है हमारे पास, तब तक आपके लिए कोई नया शुरुआत होना या किसी तरह की न्यू बिगनिंग होना पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिवली आगे बढ़ो, आपको अबंडेंस का फ्लो मिले, आपको शांति मिले, आपको पीस मिले, तो झगड़ा करना, रिजेंटमेंट करना,
अपनी शांति को किसी दूसरे व्यक्ति की वजह से भंग करना, ये चीजें जब तक आप नहीं छोड़ेंगे तब तक आप फाइनेंशियल अबंडेंस में, रिलेशनशिप के अबंडेंस में, हेल्थ वेल्थ मनी ये आपको नहीं मिल पाएगा और आपकी नई अपॉर्चुनिटीज आपको नहीं मिल पाएंगी। ऐसा सिचुएशन आपके लिए यहाँ पर नजर आ रही है। बट क्योंकि हमारे पास कार्ड्स आए हैं तो मैं डेफिनेटली ऐसा बोल सकती हूँ कि आप आने वाले समय में, नियर फ्यूचर में, आप अपने पास्ट को छोड़ने वाले हैं, गिल्ट छोड़ने वाले हैं, शेम एंगर फ्रस्ट्रेशन को छोड़ने वाले हैं, आप नया सवेरा देखने वाले हैं, आप अपने डिप्रेशन से, सैडनेस से, एंग्जाइटी से बाहर आने वाले हैं, हेल्थ वेल्थ और मनी पर आपको नई इंसाइट मिलेगी कि अब मुझे कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, आपको पैसा कमाने के नए अवसर मिलने वाले हैं, आपको नई अच्छे रिलेशनशिप्स के अच्छे अवसर मिलने वाले हैं और मे बी क्वाइट पॉसिबली जो आपके झगड़े हो चुके थे, जहाँ आपके टर्म्स खराब हो चुके थे, वहाँ पर भी हमारे पास स्टार कार्ड है, वहाँ उन झगड़ों के, उन रिलेशंस के भी ठीक होने की मेरे को यहाँ पर पूरी पूरी आपके लिए उम्मीद नज़र आ रही है। इसके अलावा हमारे पास मेंडिंग कार्ड भी है, तो मैंने आपको जैसा कहा कि झगड़ों के ठीक होने की या रिलेशनशिप के मेंड होने की या आपकी लाइफ में चीज़ें ठीक होने की बिल्कुल से उम्मीद है और ट्रूथ बी टोल्ड कार्ड है और ये जजमेंट कार्ड के ऊपर आया है, यानी कि जब तक जो मैं आपको बताया वही सच्चाई है कि जब तक आप अपना हार्ट को ओपन नहीं करेंगे, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में ओपन नहीं होंगे, दिल से लोगों को या खुद को भी माफ़ नहीं करेंगे और अपने हार्ट को देख रहे हैं विंडो कैसे ओपन हो रखी है, और आउल जो होता है ये विजडम का प्रतीक है, तो दिमाग लगाकर विवेक के साथ बुद्धि लगाइए, दिल को, दिल के दरवाजे को खोल दीजिए, ठीक है, और अपना जो नकली आपने गुस्सा ओढ़ रखा है या झगड़ा करने का कि मैं अब बात नहीं करूँगा, मैं ये नहीं वो नहीं, इस तरह की रिजेंटमेंट को छोड़कर जिस भी व्यक्ति के साथ आपकी प्रॉब्लम है उसको बैठकर बातचीत करके सॉल्व करने की अगर आप कोशिश करेंगे तो एंड रिजल्ट हमारे पास हैप्पी हैप्पी कार्ड है, एवरीथिंग विल बी फाइन फॉर यू इन कमिंग कमिंग टाइम। स्टार कार्ड होप ऑप्टिमिज्म का कार्ड है, यहाँ डीप लव कनेक्शंस का कार्ड है, ये हमारे पास में गुड लक का कार्ड है, सन कार्ड गुड लक का कार्ड है, वेल्थ का कार्ड है, हेल्थ का कार्ड है, तो ओवरऑल चीज़ें ठीक हो जाएंगी जब आप अपनी किसी जिद को या आप अपनी किसी तरह की किसी जिद को अगर आप पकड़ के बैठे हैं तो उसको आप छोड़ देंगे और जिस भी व्यक्ति के साथ आपने जिद पकड़ी है अगर उसके साथ आप अपने टर्म्स को ठीक करने की कोशिश करेंगे तो जो चीज़ें अटकी पड़ी थी, जो ब्लॉकेज पड़े थे वो आपके लिए ठीक हो जाएंगे। इस तरह की सिचुएशन में जो स्टोन, जो क्रिस्टल्स आपको मदद करते हैं वो मैं आपको डेफिनेटली यहाँ पर बताना चाहूँगी। तो अगर आपका हार्ट ब्रेक है, अगर आप एंग्जाइटी में हो, डिप्रेशन में हो, हेल्थ आपकी ठीक नहीं रहती है तो आपको ब्लड स्टोन का यूज़ करना चाहिए, सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है, हार्ट चक्रा की ओपनिंग के लिए। ब्लड स्टोन के अलावा दूसरे कोई ग्रीन क्रिस्टल और रोज क्वार्ट्ज भी आप यूज़ कर सकते हो, तो यहाँ पर आप ग्रीन एवेंचुरिन यूज़ कर सकते हो, रोज क्वार्ट्ज यूज़ कर सकते हो और ब्लड स्टोन यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी लाइफ में आपको ऐसा लगता है कि मेरे को ग्रोथ नहीं मिल रही है पूरी और मुझे मेरी अपॉर्चुनिटीज हाथ में आती है चली जाती है, अवसर हाथ में आता है चला जाता है, तो सन स्टोन आपका सोलर प्लेक्सस ब्लॉक हो सकता है और जिसकी वजह से आपका रिलेशन भी खराब होते होंगे, जिसकी वजह से आपका मान सम्मान भी खराब होता होगा, तो आप सन स्टोन का यूज़ कर सकते हैं। सन स्टोन का यूज़ करने से आपका सोलर प्लेक्सस चक्र जो होगा वो बैलेंस में होगा। अगर मनी की ब्लॉकेज आपको है, पैसा आपको पूरा नहीं आ रहा है, तो आप पाइराइट स्टोन को आप पहन सकते हो जिसको फूल्स गोल्ड भी बोलते हैं। रिलेशनशिप के लिए जैसा मैंने कहा आप ग्रीन कलर का कोई भी क्रिस्टल, एक्वामेरीन या मेलाकाइट या फिर एवेंचुरिन या ब्लड स्टोन आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा एक्टिव होने के लिए, लाइफ में फिर से एक बार एक्टिव होने के लिए और अपने आपको पूरा एक्सप्रेस करने के लिए, करेज के साथ, क्रिएटिविटी के साथ अपने आप को खुलकर लोगों के सामने प्रदर्शित करने के लिए आपको गार्नेट क्रिस्टल का आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी रीडिंग हमारे टॉरस राशि वाले लोगों के लिए। पीछे मुड़कर अब आप मत देखिए, खुद के साथ खुद पर भी दया कीजिए, खुद को भी माफ़ कीजिए, जो आपके पास्ट में जो लोग हैं जिन्होंने आपको मे बी परेशान किया उनको भी माफ़ कीजिए, उन पर भी दया कीजिए। मे बी वो लोग भी किसी तरह की सिचुएशन में फंसे हुए थे जो कि आप अभी नहीं समझ पा रहे, पर लेट आप समझ पाएंगे या शायद अब आपने समझना शुरू कर दिया होगा कि उनकी स्थिति क्या थी। तो थोड़ा सा दया दिखाइए, कंपैशनेट काइंड क्वीन की तरह, नर्चरिंग केयरिंग क्वीन की तरह, थोड़ा अनकंडीशनल लव अगर आप इन रिलेशन में प्रोवाइड करना शुरू करेंगे, अगर इस झगड़े के अंदर आप थोड़ा सा पॉजिटिव होकर देखने की कोशिश करेंगे कि अभी भी कुछ है जो ठीक किया जा सकता है, अभी भी हम इसको बदल सकते हैं, तो ये चीज़ें जो आपके रिलेशन ख़राब हो गए हैं, जो आपकी सिचुएशंस ख़राब हो गई हैं, वो अभी भी फ्यूचर में ठीक होने की पूरी पूरी संभावनाएँ हैं।
तो ये थी रीडिंग टॉरस यानी वृषभ राशि वाले लोगों के लिए. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. आई विल बी बैक सून. टिल देन स्टे हैप्पी स्टे ब्लेस्ड. बाय. तो ये है माइंडफुल जर्नी का वुमेन एम्पावरमेंट 10 डेज वर्कशॉप. अगर आप एक हैप्पी स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना चाहते हैं, हार्मोनियस रिलेशनशिप्स में रहना चाहते हैं और एक अबंडेंट माइंडसेट के साथ अपनी जिंदगी को पूरी तरह से इंजॉय करना चाहते हैं, तो हमारे एक्सपर्ट्स आपको सिखाएंगे कि कैसे स्ट्रेस और एंग्जाइटी से जीता जाए, कैसे रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स को हैंडल किया जाए, वर्क प्रेशर को हैंडल किया जाए और हमारे सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस, मनी ब्लॉकेजेस और हेल्थ इश्यूज से कैसे निपटा जाए. तो इस वर्कशॉप में होंगे वीडियो लेक्चर्स, मेडिटेशंस, अफर्मेशंस, इंटरैक्टिव टॉक्स, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस, बहुत सारी फन एक्टिविटीज और इसके अलावा लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन भी. तो ज्यादा देर मत कीजिए, ज्यादा मत सोचिए. अगर आप एक होलिस्टिक ग्रोथ चाहते हैं, अबंडेंट माइंडसेट चाहते हैं और एक स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहते हैं, तो 10 दिन की इस वुमेन एम्पावरमेंट वर्कशॉप को जो कि अप्रैल में होने वाली है ज्वाइन कीजिए और अपनी सीट का रजिस्ट्रेशन कीजिए आज ही. चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला. चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला. चांद सी शीतलता है हर पल जो फूलों की माला. एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए. मधुर गीत के गुंजन के संज्ञान के दीप जलाए. भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा. कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा. उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले. उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला. चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला. मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला.